सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं मोटो ब्लॉग पे आ रहा हूँ। बीच में मैंने कुछ वीडियोस डाले थे लद्दाख के बाद, लेकिन वो मोटो ब्लॉग नहीं थे। तो मोटो ब्लॉग में मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ। काफ़ी थोड़ा मैं डिस्टर्ब भी चल रहा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम से भी फेस कर रहा था, इसकी वजह से मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं खड़ा हूँ ऐसे लोकेशन पे जो कि कोलकाता का बहुत फेमस लोकेशन। अभी मैं कोलकाता में हूँ, तो बहुत फेमस एरिया है ये कोलकाता का। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा एरिया है, ताकि मैं भी देखूँ कि मेरे वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को ना कोलकाता दिखाऊँ रात में, कोलकाता इन नाइट। तो इसलिए मैं रात को निकला हूँ, रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं भी निकला हूँ अपने बाइक पर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लगा के पूरा, ताकि आप लोगों को कोलकाता की ब्यूटी दिखाऊं रात में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आपको अभी मैं ले चलता हूँ ऐसी जगह पर जो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो कोलकाता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, आपको ले चलता हूँ मस्त वाली जगह पे। भाई रात को राइड करने का ना मज़ा अलग है यार। देखो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रोड खाली है और आराम से मस्त बाइक चलाओ। यही अगर शाम को दोपहर को आओगे ना तो भाई बहुत ट्रैफिक होता है इस रास्ते में। भाई हल्की हल्की बारिश कंटिन्यू हो ही रही है। थोड़ा गोप्रो का जो लेंस है वो थोड़ा साफ कर लिया जाए, अदरवाइज पूरे वीडियो में पानी के बूंद दिखते रहेंगे। मेट्रो वर्क बहुत फास्ट काम कर रहा है। यहाँ देखो अमीनिया है, रेस्टोरेंट है, ये बिरयानी के लिए फेमस है। एक ये अमीनिया है और सामने वहाँ पर एक है अरसलान, वो भी बिरयानी के लिए बहुत फेमस है। तो रात को निकलने का मेरा दो मकसद है, एक तो आपको रात में कोलकाता की ब्यूटी दिखाना और दूसरा मुझे चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी। तो आगे एक दुकान है, मतलब दुकान क्या है, बहुत ही अच्छा सा वो स्पॉट है, वहाँ लोग आते हैं मस्ती करने के लिए, रात को चाय पीने आते हैं, दोस्तों से मिलने हैंग आउट करने आते हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी, जाते जाते आपको कोलकाता की ब्यूटी दिखाऊँगा और मैं चाय भी पी लूँगा। 2 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं अभी, 1:40 हो रहा है, सॉरी 2 नहीं बज रहे हैं, 1:40 हो रहा है और मेरा चश्मा पूरा हो गया है गीला। कौन हंस रहा है भाई गाड़ी में, कोई बंदा वीडियो देख रहा है ट्रक के अंदर, पूरा हंस रहा है वो। तो जी हाँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं कहाँ पर हूँ। तो ये है कोलकाता का न्यू टाउन एरिया, बहुत ही सुंदर है, साफ़ सुथरा है और बहुत ही स्पेस है यहाँ पर। कोलकाता में बाकी जगह जाओगे तब इतना स्पेस नहीं मिलेगा, बहुत छोटे छोटे सड़क मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है सड़क पर गाड़ियाँ चलाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान तरीके से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया न्यू टाउन। मस्त लग रहा है सामने का व्यू, ऐसा लग रहा है कोई टनल है ना सामने। देखो न्यू टाउन में काफ़ी कुछ देखने लायक है। आपको क्या क्या देखना है आप बताओ, मैं एक एक करके सबकी वीडियोज़ बनाऊँगा। न्यू टाउन में मदर्स वैक्स म्यूज़ियम है, उसके अंदर पता नहीं कैमरा अलाउ के नहीं, मुझे पता नहीं। यहाँ पर इको पार्क है, विश्व बांग्ला गेट है जो आपको अभी दिखा दूंगा। काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है और यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम हैं, लैंड रोवर, जैगुआर, ऑडी, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू और रेनॉल्ट भी वहाँ पर है, सामने किया की है, बीएमडब्ल्यू यहाँ नहीं, बीएमडब्ल्यू पीछे है, होंडा का यहाँ पर शोरूम है, होंडा यहाँ पर है, किया है। यार भीग जाऊंगा ऐसे बारिश में, मैं कहीं रुकता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ यहाँ पर स्टॉपेज पे। सो यार देख सकते हो बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है, मैं तो लेंस ही साफ़ करता रहूँगा यार, लगता है आज बारिश थोड़ी तेज़ हो गई, रास्ता पूरा गीला है और मेरी बाइक यहाँ खड़ी है मस्त स्टाइल में। और यहाँ पर जो ये बस स्टॉप है, यहाँ पर ये बैठने के लिए बनाया हुआ बहुत मस्त, तो थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ बारिश रुकने की, वेट करता हूँ फिर आगे जाऊँगा। यहाँ पर अगर आप संडे को सुबह के टाइम पाएंगे तो आपको बहुत सारे सुपर बाइक्स दिखेंगी और सुपर कार्स भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे इस रास्ते पे। नेक्स्ट जो अपकमिंग संडे है, मैं कोशिश करूँगा उस दिन इधर आने का, सुबह सुबह आप लोगों को दिखाऊँगा। अगर मैं कुछ दिखता है एक्जॉटिक बाइक्स या कार्स तो आप लोगों को दिखाऊँगा। फ़िलहाल मेरे पास तो यही मेरी एक्जॉटिक बाइक है, यामाहा FZ। फिलहाल तो मैं यही चला रहा हूँ, ड्रीम तो है बिग बाइक का, पता नहीं वो ड्रीम मेरा कब पूरा होगा। कोशिश कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ लाइफ से,
हार्ड वर्क जारी है दोस्तों। हार्ड वर्क पता नहीं कब फल लाएगा, कोई बात नहीं, हार्ड वर्क करते रहो, फल मिल ही जाएगा। फल की चिंता ना करो, फल ऊपर वाला निश्चय देगा आपको, आप बस अपना कर्म करते जाओ। इसे कहते हैं आउल मोड़, क्योंकि यह एक उल्लू आउल का स्टैचू बना हुआ है, जिसकी वजह से इस मोड़ का नाम है आउल मोड़। बंगला है बोलते हैं पैचर मोड़। यहाँ देखो लिखा हुआ आउल स्टॉप, बस स्टॉप जो है आउल स्टॉप लिखा हुआ है। मेरे जो राइट साइड देख रहे हैं, यहाँ एक पार्क है, बहुत बड़ा सा पार्क है, इसको कहते हैं इको पार्क। आपको इको पार्क का अगर व्लॉग देखना है पूरे इको पार्क का, तो मुझे बताना, कमेंट करो अगर देखना है तो। मैं कभी इको पार्क आऊँगा, स्पेशली सिर्फ इको पार्क का व्लॉग बनाने के लिए आऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा इको पार्क के अंदर क्या क्या है, डिटेल ब्लॉग बनाऊँगा जितना मैं ऐसा डिटेल हो सकेगा। आज मैं फेस कैम में वीडियो नहीं करूँगा, आप लोगों का आज फेस नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है पहले कुछ दिनों से, और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी फेस की जो हालत है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आज मैं फेस कैम ऑन नहीं करूँगा। आप लोगों का आज ऐसे ही POV वीडियो मैं दिखाऊँगा। और सामने एक बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में, विश्व बंगला गेट जो मेरे सामने है, वहाँ पर एक हैंगिंग रेस्टोरेंट है, और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो क्रिएशन है, जो इंसान ने बनाया है भाई, हैट्स ऑफ जो इसके आर्किटेक्चर हैं, इसके इंजीनियर हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया उन्होंने इसको। तो चलिए, वो बस आ ही गया है, बहुत सामने में है, आपको दिखाता हूँ मैं कि वो कैसा दिखता है। जिन्होंने देख रखा है उनको तो पता है इसके बारे में, बट जिन्होंने नहीं देखा है आज तक ना, वो इस वीडियो के थ्रू आज विश्व बंगला गेट को देख लो। अगर आप कभी कोलकाता में आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना, और वहाँ पर ऊपर रेस्टोरेंट है, देखा आपको दिख रहा होगा, विश्व बंगला गेट सामने मेरे आ चुका है, गोपुर में छोटा दिख रहा होगा, मैं पास चलता हूँ, दिखाता हूँ। अगर आप कोलकाता आते हो तो यहाँ पर आके खाना ज़रूर खाना भाई, यहाँ खाना बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, मैं भी आज तक ऊपर नहीं गया। तो ये मेरे सामने रहा, ये देखो विश्व बंगला गेट, मस्त है ना भाई, काफ़ी ह्यूज है, बड़ा सा है बिल्कुल। मैं रुकता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसमें लिखा हुआ विश्व बंगला गेट, वो जो राउंड सा शेप है उसी के अंदर रेस्टोरेंट है। मुझे यहाँ से आँखों से दिख रहा है अंदर चेयर टेबल लगा हुआ है, पता नहीं गोपुर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट भाई मस्त चीज़ है यार जिसने बनाया। बीच में मैंने सुना था एक ग्लोब लटक रहा था, तो वो ग्लोब शायद आई थिंक वो टिक नहीं पाया, गिर गया, तो फिर दोबारा उन्होंने ग्लोब लगाया ही नहीं। तो ये है विश्व बंगला गेट, सामने देख सकते हो ये जो राउंड सा शेप है ना, इसके अंदर है रेस्टोरेंट, उसके जाने का एक रास्ता इधर से सीढ़ी है, और उधर देख रहे हो एक जो पिलर है वहाँ पर लेफ्ट है, जिसके लिए आपको पता था पहले बुकिंग करनी पड़ती है, बुकिंग करो, यहाँ पर आओ और डिलीशियस फूड का मज़े लो। फिलहाल ये मेरी बाइक है, आपको मेरी बाइक के बारे में कुछ अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने इसमें राउंड हेडलाइट लगा रखा है, किस बाइक का लगा रखा है वो कमेंट करके बताओ, कौन सी बाइक का मैंने हेडलाइट लगा रखा है अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। और ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने बाइक में करा नहीं है, ये एक विंडशील्ड लगाया है, हेडलाइट लगाया है, इंडिकेटर लगाया है, ये हेडलाइट होल्डर्स लगाया है, और ये छोटे वाले फॉग लैंप लगा रखे हैं मैंने, ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है, अब बस ये ब्लू रैप करा रखा है, बाकी बाइक स्टॉक ही है मेरी। तो चलो आपको चलते हैं लेके, अब चाय की दुकान है विश्व बंगला गेट, आपको दिखा दिया मैंने, आगे रेसिडेंशियल एरिया है, और यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो चला जाएगा सॉल्ट लेक EM बाईपास की तरफ। यार क्या जगह है, यार क्या जगह है, देख रहे हो, लग रहा है ये इंडिया है, लग रहा है कोलकाता है, बस कहीं लिखा होगा न्यू टाउन कोलकाता डेवलप अथॉरिटी, आपको लगेगा कोलकाता है, अदरवाइज ये देख के लगेगा ही नहीं कोलकाता है, मुझे लग रहा है मैं कहीं इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में घूम रहा हूँ बाइक लेके अपनी, दुबई आ गया हूँ क्या? दुबई तो नहीं, मैं हूँ कोलकाता में ही। स्विगी जोमेटो वाले भाई दोस्त यहाँ पर खड़े हैं अपने ऑर्डर्स की वेट के लिए, भाई इनका भी लाइफ बहुत स्ट्रगल है यार। तो जी हाँ, मैं आ चुका हूँ जहाँ मुझे चाय पीना था, तो यही है वो एरिया जहाँ मुझे चाय पीना है, काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, भीड़ देख रहे हो कितनी भीड़ है यार, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखो यहाँ पर, कितने लोग यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं, मैं वो आगे वाले में जाऊँगा, यहाँ 3-4 ऐसे स्पॉट्स हैं, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वाले में,
हमेशा। मैं यहाँ पर आता हूँ, अपना चाय वाय पीता हूँ, फिर वापस अपने घर चले जाता हूँ। चाय एकटा दूध चाय कि बड़ो दिन बड़ो को तो दे दिन बड़ो एकटा। सो गाइस यहीं पर मैं आता हूँ। देखो यहाँ पर काफ़ी खाने पीने आइटम सब मिल जाता है यहाँ पर यार। इस दुकान में मिलता है चाय एकदम प्रूफ तक नहीं जगह से कहीं दोस्त को रही नहीं कि सो गाइस मेरे पास आ चुका है मेरा चाय, गर्मा गर्म चाय। भी बैठते हैं यहाँ पर और अपने चाय का मज़ा लेते हैं। सो गाइस चाय मैंने पी लिया यहाँ पर, अब चलते हैं अब घर की ओर। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 2:17, तो घर पहुँचने में टाइम लग जाएगा मुझे, घर काफ़ी दूर है मेरे यहाँ से। सो गाइस यहाँ पर एक बना हुआ है अंडर पास, ये नया बना है। आपको इस तरफ से मतलब इस बंगला गेट के उस तरफ जाने के लिए ये अंडर पास नया बना है। पहले ये ऊपर ऊपर था लेकिन काफ़ी ट्रैफिक होता बोल के ये अंडर पास बना दिया गया, लेकिन रात को ये बंद रहता है। कभी मैं दिन को आऊँगा तो आपको इसके नीचे भी ले चलूँगा अंडर पास में। सो गाइस मैं वापस उसी सड़क से अपने घर को जा रहा हूँ, तो दोबारा दोबारा वो सड़क दिखाने को मतलब बनता नहीं है। ये तो रहा न्यू टाउन जो मैंने अब दिखाया आपको, थोड़ा सा दिखाया, पूरा दिखा नहीं पाया। कभी और आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा न्यू टाउन का जो बाकी हिस्सा है, उधर भी आपको दिखाऊँगा जाके। फिलहाल आप कमेंट करके बताओ आपको कोलकाता का कौन सा हिस्सा देखना है रात को, कि रात में एरिया कैसे दिखता है बताओ। मैं वहाँ जाऊँगा आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि ये कोलकाता का जो आपने एरिया बोला है वो है और ये रात में ऐसा दिखता है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।